हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, बात करेंगे आज टेबलेट मोन्टेक बीएल के बारे में, जो कि मार्केट में और भी कई नाम से आती है। गाइस, मोन्टेक बीएल दो प्रकार के साल्ट से बनी होती है। नंबर एक ब्लास्टिन, नंबर दो मोन्टलोकास्ट। मोन्टलोकास्ट इसमें 10 mg होता है, ब्लास्टिन इसमें 20 mg होता है। गाइज, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहें। जानेंगे आज इसके यूज़ के बारे में, इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार के मरीजों में इसको दिया जा सकता है, किस प्रकार के मरीजों में इसको नहीं दिया जा सकता, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, प्लस ड्रग इंटरेक्शन इसके क्या होते हैं, किस प्रकार की दवाई के साथ इसको नहीं दिया जा सकता। तो गाइज़, मोन्टेक बीएल टेबलेट एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है, जो कि दो प्रकार के साल्ट से बनी होती है। नंबर एक ब्लास्टिन। ब्लास्टिन एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है, जो कि बॉडी में रिलीज होने वाले हिस्टामिन केमिकल रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, जैसे कि किसी प्रकार की दवाई से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या फिर सर्दी खांसी में नज़ला हो जाता है, बॉडी पर फित्ती टाइप चली जाती है, आंखों से पानी बहने लगता है या फिर नाक से पानी बहने लगता है, तो ये सब हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से होता है। तो गाइज, एंटी हिस्टामिन टेबलेट देने से हिस्टामिन ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज को आराम मिल जाता है और वो ठीक हो जाता है। गाइज, नंबर दो मोन्टलोकास्ट। मोन्टलोकास्ट लिकोट्रेंस केमिकल रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जो कि लंग से रिलीज होते हैं। गैस, लंग से रिलीज होने के बाद लिकोट्रेंस इन्फ्लामेशन पैदा कर देते हैं और बलगम बनाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मरीज को तकलीफ होती है, कठिनाई होती है। मोन्टलोकास्ट लिकोट्रेंस केमिकल रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और बलगम और इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मरीज को राहत मिलती है, सांस लेने में आसानी होती है और वो अपने आप को ठीक महसूस करता है। चलिए, अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। गाइस, डोज इसकी एडल्ट में खाना खाने के बाद रात को एक गोली रोज़ दी जा सकती है, 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन में मरीज ठीक हो जाता है, ज़रूरत पड़ने पर आगे भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं गाइस के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट इसके कोई ख़ास देखे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी कॉमन सर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, बॉडी पर पित्ती टाइप उछल सकती है या फिर एलर्जी खुजली हो सकती है। गाइस, अब जानते हैं इसके ड्रग इंटर रिएक्शन के बारे में, कि किस प्रकार की दवाई के साथ इसको नहीं दिया जाना चाहिए। नंबर एक एरिथ्रोमाइसिन के साथ इसको नहीं दिया जाना चाहिए, फेनिटोइन के साथ इसको नहीं दिया जाना चाहिए, प्लस एक टीबी की दवाई आती है रिफामसिन, उसके साथ भी इसको नहीं दिया जाना चाहिए। एक आती है फेनबर्बिटोल के नाम से टेबलेट, वो भी नहीं दी जानी चाहिए इसके साथ में। तो गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आई हो तो। फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर। बाय।